नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक ऐसे औषधि से आपका परिचय कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है नागरमोथा। जी हाँ, नागरमोथा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे में इतने सारे औषधि गुण होते हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं और इसको घास फूस समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि यह पौधा देखने में यह घास फूस लगता है, लेकिन घास फूस है नहीं दोस्तों, यह नागरमोथा। जी हाँ दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह आपको अक्सर शुष्क वाले जैसे नमी वाले जगह पे आप ये आराम से ये पौधा आपको मिल जाएगा, यह घास मिल जाएगा। दोस्तों अक्सर आपको देखे होंगे, यह हर जगह मिलता है। भारत के हर किसी कोने में जाएंगे, खेत खलिहान बगीचे गली में, हर जगह ये हर क्षेत्र में पाया जाता है। आप देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और उसका आप फ़ायदा ले सके। साथ साथ दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से ऐसे ही जड़ी बूटी आपके लिए हम लाते रहते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते रहते हैं। चलिए दोस्तों इसको विस्तार से जानते हैं, कौन कौन से इसका बीमारी में प्रयोग किया जाता है, कैसा इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसके पहले फ़ायदे की बात अगर करें, जैसे कि दमा हो गया है, खांसी की समस्या है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कॉमन सी बीमारी है, लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। दमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नागरमोथा को अच्छी तरह धुल करके सुखा करके पाउडर बना लें और उसमें गुड़ और हल्दी मिला करके इसका सेवन अगर करते हैं, तो दमा में आपको बहुत जल्दी असर होगा और बहुत जल्दी सही हो जाएगा। दोस्तों साथ साथ सर्दी खांसी की समस्या है, उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। इसका सुबह सुबह खाली पेट इसका रस निकाल लें। इसका रस 50 ml के बराबर आप निकाल लीजिए और उसको सेवन करिए, आपका खांसी और सर्दी जैसी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इतना ही नहीं फ़ायदा है दोस्तों इसके, अगर किसी व्यक्ति को पेट में जैसे अल्सर जैसी समस्या हो जाती है, पेट में कब्ज की समस्या हो जाते हैं, गैस बनने की समस्या हो जाते हैं, दस्त की समस्या हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा नागरमोथा का प्रयोग है। दोस्तों आसे नहीं, हमारे ऋषि महात्मा जो इसका प्रयोग किए हैं, इसके जो फ़ायदे हुए हैं, वही चीज़ हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर इसे ऐसी समस्या है, पेट से लेके कोई भी समस्या हो जैसे गैस उस बनने की, तो दोस्तों इसका कैसे आप प्रयोग करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए नागरमोथा का चूर्ण ले लें और उसमें 3 ग्राम शहद और 3 ग्राम आंवला मिला करके ये तीनों को मिला लें और इसके बाद उसका चाटें, जी हाँ चाटने के मतलब उसका सेवन करें दोस्तों, जैसे जीभ पे लेकर के चाटते हैं, पानी के साथ घुटना नहीं है, बस चाटते रहना जीभ से लेकर के। दोस्तों ऐसा करते हैं तो दोस्तों गैस की जो समस्या है, कब्ज की समस्या है, अल्सर जैसी समस्या है और पेट में गैस बनने की वजह से कभी कभी सर दर्द की समस्या हो जाता है, कभी कभी उल्टी आने की समस्या हो जाता है, उस सारी समस्याओं से दूर करता है। दोस्तों बहुत ही साधारण सा पौधा है, बहुत ही सिंपल सा है, हर जगह आपको मिल जाएगा, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नागरमोथा का जो तासीर होते हैं ना, बहुत ठंडा होता है, जिसके वजह से हमारे जैसे कब्ज जैसी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। दोस्तों अगर किसी को किडनी में अगर प्रॉब्लम है, या पेशाब में जलन हो रहा है, या रुक रुक के हो रहा है, तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और रामबाण की तरह काम करता है नागरमोथा का चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, नागरमोथा का चूर्ण ले लें और उसमें छाछ या मट्ठा के साथ या दही के साथ इसका सेवन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किडनी में अगर सूजन है, या पेशाब में जलन हो रहा है, या रुक रुक के आ रहा है, या किसी भी मूत्र विकार है, या किडनी से लेकर कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों उसको सही करने के लिए बहुत अच्छा इसका औषधि गुण है। जी हाँ दोस्तों, नागरमोथा के बारे में बहुत अच्छा इसका प्रयोग बताया गया है। नागरमोथा का और भी बेनिफिट्स हैं दोस्तों, जैसे कि बवासीर की समस्या हो, आजकल की बवासीर की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगे, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, हर किसी को बवासीर की समस्या से आज जूझना पड़ रहा है। तो दोस्तों यह बवासीर जो होता है ना, खूनी और वादी दोनों तरह के होते हैं और दोनों में ही बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। यह नागरमोथा का आप इसका चूर्ण ले लें और उसको दही के साथ
या मट्ठे के साथ उसका सेवन करें। दोस्तों, आपके जो बवासीर की समस्या है, इस तरह से आप कुछ दिन तक इसका प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपके जो बवासीर की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, जड़ से ही खत्म हो जाएंगे अगर कुछ दिन इसका कंटिन्यू प्रयोग आप कर लेते हैं तो। दोस्तों, नागर मोथा 20 ग्राम आप ले लें और गुड़ के साथ इसको पका लें या काढ़ा बना लें। जी हाँ दोस्तों, काढ़ा बना कर अगर सेवन करते हैं, जी हाँ, किसी भी प्रकार का बुखार हो या सरदर्द हो वो जड़ से खत्म हो जाता है। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा, जैसे पियेंगे 5 मिनट के बाद ही आपका फीवर उतरने लगेगा। बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। नागर मोथा एक घास नहीं है दोस्तों, ये एक जड़ी बूटी है, लेकिन लोग इसे घास समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जानकारी के अभाव में इसे घास समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह बहुत अच्छा औषधि है। आप इसका प्रयोग करें और हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे क्या क्या आपको फ़ायदे हुए। तो दोस्तों, आज हमने बताया नागर मोथा के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कर देना। अब फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।